Hello beautiful people, welcome back to my channel. It's me Kevin, hope you are doing great. Okay guys, so yeah, I'm back with another vlog after 6 months. तो कोई ऐसा कुछ फोन नहीं करूँगा कि आई एम बैक खैर. तो आई एम बैक विद द व्लॉगिंग एंड होपफुली दिस टाइम आई विल कंटिन्यू. और आज का कुछ सीन ये है कि फाइनली आर ब्राइड टू बी माई सिस्टर दीदी की फाइनली शादी हो रही है. कोई सस्पेंस नहीं रखूँगा किसकी शादी है किसकी नहीं, बिकॉज एवरी वन नोज किसकी शादी है. अब तो दीदी की शादी है और अभी हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग पे. दीदी के ऑलरेडी ड्रेसेस आ चुके हैं तो दीदी के ड्रेसेस के लिए नहीं जा रहे हैं, हम मामा की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं. फिलहाल मामा के कपड़े लेने हैं और उसके बाद जब अपने लिए जाऊँगा तब भी लेकर जाऊँगा. तो अभी के लिए हम लोग जा रहे हैं मामा के कपड़े लेने और फिर बताता हूँ. सी यू, स्टे ट्यून्ड. दीदी आपको कैसा लग रहा है, आप दुल्हन बन गई हैं? बनी नहीं हूँ अभी. हाँ, बनने वाली हैं. बहुत अच्छा, बहुत खुशी हो रही है, वेरी एक्साइटेड. तो गाइस स्टे ट्यून्ड क्योंकि अभी बहुत सारे व्लॉग आएंगे ढोल की एंड ऑल, मतलब घर पे शादी है तो कंटेंट की तो ऐसे बौछार आने वाली है. ऑल्सो बहुत सारी चीज़ें अभी हुई हैं जो मैं रिकॉर्ड की नहीं है मैंने कर नहीं सके, वो अलग चीज़ है. लेकिन मैंने खुद भी नहीं किया, एफर्ट्स ही नहीं किया. खैर तो इतना सच नहीं बोलना था. सॉरी गाइस. खैर डू नॉट वरी, आगे के जो भी वो होंगे मैं कोशिश करूँगा कि मैं रिकॉर्ड करूँ. और बाकी हमारी होम रेनोवेशन हुई है तो सून होम टूर आएगा, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा. पापा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है. हम पूरी फैमिली दीदी की शॉपिंग और आप लोगों की शॉपिंग करेंगे, ब्लॉग में और ज़्यादा मज़ा आएगा हमें. और आप लोग ये ब्लॉग जो है ना कोई भी मिस मत कीजिएगा. हाँ गाइज, आई एम बैक, सो प्लीज डू मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल फॉर मोर शादी कॉन्टेंट. और अभी डांस प्रैक्टिस वगैरह ये सब, मतलब बहुत कॉन्टेंट, बहुत ब्लॉग्स आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून फॉर दैट. हम जाएंगे और मिलते हैं. ओके तो गाइज, हम लोग अब आ चुके हैं तारिक रोड और अब हम वो करेंगे, कपड़े लेने जाएंगे. तो अभी हम आए हसीनास आके ड्रेसेस बहुत अच्छा. मम्मा अपने लिए पसंद कर रही है लड्डू पीला कलर, लुकिंग सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव. लड्डू पीला कलर. अब मम्मा कंफ्यूज हो रही है, या तो ये वाला या तो ये वाला. कमेंट सेक्शन में बताएं कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा. ये भी प्यारा लग रहा है, जो भी है ये. तो भाई मामा को वहाँ पे कुछ पसंद नहीं आया तो अब हम यहाँ आए हैं. देखते हैं हम यहाँ पे अगर कुछ अच्छा लगता है तो भाई. तो ये ऐसे कलर्स हैं. और मामा को पहनना है लहंगा, तो वी आर लुकिंग फॉर लहंगा. वाटर ग्रीन में आपके पास कुछ है इसके अलावा? सर मैरून कलर है, ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है, या ये लाइट स्काई कलर ग्रीनिश कलर होते हैं. अभी आपकी थीम के ऊपर बात है, चार पांच कलर का लहंगा बनता है, वैसे तो बहुत कलर आते हैं. ये कम नहीं स्टैंडर्ड साइज आता है, मजबूत किसका इसका है. आपको
तो वहाँ पर भी कुछ अच्छा नहीं था, बहुत गंदे गंदे ड्रेस सारे। तो अब हाँ मतलब वहाँ पर भी कुछ ऐसा कुछ खास पसंद नहीं आया, तो अब हम वापस कहीं और जा रहे हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं। अब मम्मा को ये समझ आ रहा है कुछ, हाँ लेकिन हमने अभी ले थोड़ी रहे, इसलिए पता नहीं अब ये लेंगे भी या नहीं, अगर कुछ और अच्छा लगा तो। सेम है नहीं माँ वो वाला नहीं, अच्छा ये अच्छा। वो एक भाई ने हम सबको ग्लिटर वाला कर दिया, सारा ग्लिटर ग्लिटर ग्लिटर, लेकिन वो मुझे आपका साइज लग रहा है, इसमें साइज होगा। देखते हैं क्या लेते हैं हम, क्योंकि ऑलरेडी मेरे ख्याल से 11:30 तो सब बंद हो रहा है यहाँ पर, तो अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो गाइस अब पूरी मार्केट बंद हो चुकी है ऑलमोस्ट, और हमने दो ड्रेसेस ले लिए हैं, मम्मा के निकाह के लिए ड्रेस और दीदी की ग्रैंड ढोलकी के लिए। तो हमने दो ड्रेसेस अब ले लिए हैं, और मेरे ख्याल से अब कहीं जाने का फ़ायदा नहीं है, तो अब हम जाएंगे सीधा, देखते हैं कहाँ जाएंगे, तो स्टे ट्यून्ड पर। और मामा पे हसीन्स पे ड्रेस बहुत अच्छा लगा था, और मामा कब से ज़िद कर रही हैं कि मुझे वही ड्रेस पहनना है, वही ड्रेस पहनना है। तो हमें एक और उसका आउटलेट मिला है, अब यहाँ पे जाके देखते हैं अगर कुछ अच्छा है, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस हैं, तो यहाँ देखते हैं अब क्या है। हाँ तो अलाउ नहीं है, तो हम कैमरा बंद करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं पूरी मार्केट बंद हो चुकी है, और हमने फाइनली मामा के निकाह का भी ड्रेस ले लिया और माइयों का भी ड्रेस ले लिया, तो मतलब दिखाऊंगा नहीं क्या। अच्छा तो मैं हम लोग अब आपको ड्रेस रिवील नहीं करेंगे, वो आप लोग शादी पे ही देखना, तो दैट्स इट, घर जाके मिलते हैं। तो माशाल्लाह से हम लोगों ने अपनी गाड़ी भी ले ली, ये भी आप लोगों को नहीं बताया था मैंने, तो अब तो काफ़ी टाइम हो गया। खैर कितने महीने हो गए मामा? 8-9 महीने हो गए, तो ऑलमोस्ट 1 साल से हमारे पास अब ये गाड़ी है, तो ये भी है। वाओ शादी के गाने भी लगे हैं। तभी हम जाते हैं यहाँ से एक जगह और फिर घर जाते हैं, ठीक है? तो लेट्स गो। तो अभी हम जा रहे हैं एक जगह, और उसके बाद हम जाएंगे घर, और फिर हम करेंगे ब्लॉग एंड। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, और हाँ बस ना, अब कहीं और तो नहीं जाना ना। सी यू गाइस। ओके तो अभी हम जा रहे हैं पता नहीं कहाँ से, हम लोग अभी जा रहे हैं वेब स्टोर यहाँ पर क्लाउड स्ट्रीट, क्योंकि मुझे लेना पॉट, मेरा गुम या पॉट, तो अब मैं पॉट लेने जा रहा हूँ, और इसके बाद हम घर जाएंगे। तो लेट्स गो। ओके तो फाइनली मैंने पॉड ले लिया है, दिस इज द पॉड एंड दिस इज द फ्लेवर, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द पेमेंट, और फिर बस हम चलते हैं। ओके तो गाइस हमने पॉड वगैरह ले लिया है, और अब हम जाएंगे सीधा घर पे, और घर जाके हम करेंगे अब हम करेंगे अपना व्लॉग एंड। तो चलो घर चलते हैं। यस मामा की शॉपिंग हो गई, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। शादी वाली फीलिंग आ रही है, देख रहे हैं आप बैग्स, दुल्हन की गोद में सारे बैग्स, ये किंदा की गोद में रखे। फाइनली आवर ब्राइड टू बी, लाइक इट्स वेरी इमोशनल फॉर अस, मेरी इकलौती बहन है जो अब शादी करके चले जाएगी। रोएगा? मैं नहीं रोऊंगा। आप बारात वाले ब्लॉग में देखिए ना। नहीं रोऊंगा ऐसा कुछ नहीं। मामा मैं रोऊंगा? नहीं रोएगा। मेरा पता नहीं, लेकिन मम्मा बहुत रोएंगी। सही बात। मम्मा तो अभी रोने लग गए। हाँ, मम्मा तो अभी रोने लग जाएंगे। आप बस मतलब अभी इवेंट स्टार्ट होंगे ना, देखना ग्रैंड ढोल की माइयों सब पे मम्मा रोएंगी, सिर्फ बारात नहीं है। बिल्कुल। ये तो घर पे रोती रहती हैं, मेरे को बोलती हैं मैं पास सो रहा होता हूँ, मेरे पास बैठ के रो रही होती हैं, लाइक इमोशनल हो जाती हूँ।
चलो सी यू गाइस। ओके चेंज ऑफ प्लान्स बिफोर गोइंग होम, हम यहाँ मंडी खाने आ गए, तो अब मंडी खाएंगे और फिर घर जाएंगे। तो लेट्स गो कि तो अब हम आए हैं मंडी खाने एंड यहाँ का बैठक बहुत अच्छा लगता है मेरे को, लाइक इट्स वेरी कम्फर्टेबल, अपना एक जोन है और ये ढाबा टाइप का है तो मज़े का लगता है। हाँ तो वही बोल रहा है ना, ढाबा टाइप है तो मज़ा आता है ऐसे बैठ के खाने का, अपना अपना ही मज़ा होता है ऐसे भी खाना खाने का। तो ये यखनी अभी अभी हमें दी है एज अ कॉम्प्लीमेंट की वो, तो दीदी ऑलरेडी पी लिया। दीदी कैसी है? ओके सोते हैं कैसे है, इनके सबके रिव्यूज लेते हैं। हाउ इज इट? ऐसे थोड़ा सा ठंडा होता है ये लोग पीते हैं, फिर आई गेट द रिव्यूज। हाउ इज इट? सो यम्मी, वेरी टेस्टी। मैंने अभी तक खाया नहीं है क्योंकि बहुत गर्म है और मैं गर्म चीज़ें खाता नहीं हूँ, तो ठंडी होगी फिर भी। ओके तो हमारा प्लेटर इज हियर एंड इट्स लुकिंग अमेजिंग। अब आपको मिलते हैं खाना खाते। हाँ आपने खाना खा लिया, आपको कैसा लगा? वाज इट वर्थ इट? बहुत। पापा बहुत मजा मज़दार। गाइस हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया, इट वॉज गुड, मज़ा आया और काफ़ी ज़्यादा बच भी गया क्योंकि अब हमने पार्सल करवा लिया। तो अब ये ब्लॉग यहाँ एंड करते हैं क्योंकि अब इसके बाद बस हम घर जाएंगे और फिर बस। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। And do not forget to like, comment, share and subscribe to my channel. बस यार मैं काफ़ी टाइम बाद बना रहा हूँ, भूल ही गया मैं, बस यही है, लाइक कर देना। ओके बाय।